हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव और इन्फेक्टिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव और इन्फेक्टिव प्रोनाउन देखने में और पहचानने में एक जैसे होते हैं। माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब रिफ्लेक्सिव और इन्फेक्टिव प्रोनाउन है। इनमें एक अंतर है जो आपको पहचानना है। ये यूज़ के आधार पर अलग अलग होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है, यूज़ के आधार पर कर सकते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं तथा सब्जेक्ट को ही व्यक्त करते हैं। मतलब ये जब सेंटेंस में आते हैं तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, मतलब आफ्टर वर्ब यूज़ होता है और ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक आपको स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। तो ध्यान रखें कि यहाँ जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं आफ्टर वर्ब तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इन्फेक्टिव केस में देख लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है, अगर हम उसको एम्फेसिस कर रहे हैं तो हम इन्फेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है उसके महत्व को बढ़ाना, उस पर स्ट्रेस करना, उस पर जोर देना। जब हम अपनी किसी नाउन को या प्रोनाउन को महत्व देते हैं, उस पर जोर देकर के कहते हैं, तब हम इन्फेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है, सब्जेक्ट, फिर इन्फेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें इन्फेक्टिव जो प्रोनाउन है उसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही यूज़ कर लिया जाता है। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें माई सेल्फ को मैंने आई के बिल्कुल बाद यूज़ किया है। यहाँ ये इसे स्ट्रेस कर रहा है और यहाँ इम्फेक्टिक प्रोनाउन के रूप में है। अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। देखिए, अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एग्जर्ट आदि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। इसमें जैसे कीप, ब्रेक, सेट, बेद, रोल, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रा, रेस्ट, बर्स्ट, हाइड, फीड, गैदर, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। तो साथियों, आज हमने सीखा रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग, कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है प्रेडिकेटिव पार्ट में, और दूसरा, जब हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को जब एम्फेसिस करते हैं, उसको स्ट्रेस देते हैं, उस पर जोर डालते हैं, उसको महत्व देते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। कल एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।